हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये बात करेंगे हम 8 ईयर वारंटी जो के मिथ के बारे में, जो मार्केट में फैला रखा है, लोगों को क्लियर नहीं है, हम लोगों को क्लियर नहीं है 8 ईयर वारंटी किस कंडीशन में मिलती है, किस कंडीशन में नहीं मिलती है। बैटरी ऑब्वियसली थोड़ी सी डिग्रेड होती है ओवर ए ईयर, क्या वो वारंटी में कवर होती है? तो होती है तो कितने परसेंटेज पे होती है, ये सारी बात करेंगे। सो माई चैनल इज़ आदि विंग्स, आप इससे रिलेटेड वीडियोज़ देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये एक्चुअली क्या हुआ कि मुझ पर एक नोटिफिकेशन आया, क्योंकि मैं ओला से रिलेटेड वीडियोज़ डालता हूँ तो मुझे यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आता है। तो इन भाई का एक्चुअली ये वीडियो आया कि ओला लेने से पहले सच जान लो, कस्टमर अट्रैक्शन का सच एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो एक्चुअली मैं ये इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, नहीं तो किसी की वीडियो नहीं पॉइंट आउट करनी चाहिए, लेकिन अगर गलत इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है या फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो उसको ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहिए। तो भाई मैंने इस वीडियो में मैं इसको प्ले नहीं कर सकता कॉपीराइट के चक्कर में, लेकिन आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इन भाई ने पूरा अच्छा अच्छा समझाया, ईवी के बारे में समझाया, बैटरी कैसे डिग्रेड करती है, ग्राफ बताया, यहाँ पे सारी बातें करी, फिर इसका कंपेयर किया एथर से और दिखाया कि भाई ये आपकी जो ओला ईवी है हमारी, जैसे कि ये एथर से कंपेयर किया कि एथर ने अपने डिस्प्ले में लगा रखा है कि कितने परसेंटेज पे आपकी डिग्रेड करने पे आपको वारंटी क्लेम मिलेगा, कितने पे नहीं मिलेगा, ये चीज़ें। और उसके बाद इसे कंपेयर किया सीधे अपने ओला से, बोला कि ओला ने ऐसा कहीं भी डिस्प्ले नहीं कर रखा है तो आपको वारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी इसको क्लियर नहीं है। क्योंकि बाकी सारी बातें ठीक थी, लेकिन लास्ट में जो बंदे ने बोला ना कि भाई जो बैटरी कितने परसेंटेज पे कवर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये है, तो उसी पॉइंट को लेते हुए मैंने भी थोड़ा देखा, क्योंकि मुझे आइडिया था लेकिन मैंने गो थ्रू नहीं किया हुआ था इन पॉइंट्स पे। तो मैंने इस बंदे ने साफ बोल दिया भाई एथर में इतना है, ओला में सोच लो, ये आपका पैसा है, रिस्क है, लेकिन ऑब्वियसली सबका हार्ड एंड मनी है तो क्लियर होना चाहिए। लेकिन बीइंग अ कस्टमर, क्योंकि मैं भी कस्टमर हूँ ओला का, तो ऐसा तो नहीं मुझे ठग लिया, मुझे भी पॉइंट आउट आया था। तो भाई मैंने फिर अपना इसके लिए मैंने सिंपल किया, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी वीडियो डाली, लेकिन अगर आप गूगल पे सिंपली टाइप करोगे ना ओला टर्म एंड कंडीशन, अगर देखो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ओला टर्म एंड कंडीशन, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया ओला स्कूटर बैटरी टर्म एंड कंडीशन 8 ईयर वाला, है ना, तो पहला ही पॉइंट आ जाता है बैटरी वारंटी टर्म एंड कंडीशन, जो कि हम जब बुकिंग करते हैं तब भी ये चीज़ आपको बुक करना होता है। और इसमें देखिए ओला की ऑफिशियल साइट है, तो इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ओला क्या बात कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, वाकई हमें बैटरी की वारंटी मिलती है नहीं मिलती है, और मेन चीज़ है कि भाई हमारा कितने तक, मतलब 8 साल बोल रहा है, बहुत बड़ा टाइम होता है, 8 साल में आपका कितना मतलब बैटरी डिग्रेड करती है। क्योंकि उस वीडियो में क्लियर बोला था कि ओला ने कहीं भी डिक्लेयर नहीं कर रखा ये, तो ऐसा नहीं है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ और आपके लिए अपने लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो कंपनी ने सीधे दिखाया है कि भाई आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ये सब, चलो 3 वारंटी हैं, वारंटी डिक्लेयर किया है कि भैया 8 ईयर्स की हैं, 380 किलोमीटर जो कि हमको मिलती है, और उसके बाद 100 किलोमीटर और 125 किलोमीटर की जो कि हम अवेल कर सकते हैं पैसा देके। तो ये जिनने भी बुक किया उनको पता होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे बड़ी अजीब सी लाइन लिखी है, ओला इलेक्ट्रिक ने प्राइवेट लिमिटेड सर्व द राइट टू चेंज, इसने लिखा है राइट टू चेंज एनी ऑफ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ दिस वारंटी टर्म एट एनी टाइम, यानी ये टर्म एंड कंडीशन को जो हम पढ़ रहे हैं उसको वो कभी भी चेंज कर सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये टर्म एंड कंडीशन एक्चुअली मैं आज बाय कर रहा हूँ, अगर मैं इसको साइन करता हूँ कि मैं टर्म एंड कंडीशन से एग्री हूँ तो ये मेरे लिए अवेल हो जाएगा। उनका कहने का मतलब है कि आगे इन द फ्यूचर ये इसको ही मान मान लो, जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कोई 1 महीने 1 साल बाद ये चेंज हो जाए, तो वो कभी भी चेंज कर सकता है, लेकिन बुकिंग के टाइम पर जिस पे आपने साइन किया है, जो आपने पढ़ा है, वो आपके लिए रहेगी। यानी कि जो अभी 8 ईयर की वारंटी है वो हो सकता है आगे नहीं हो, वो ख़त्म कर दे 8 ईयर वारंटी, तो ये चेंज हो जाएंगी। तो उसका मतलब ये है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वही जो सेम चीज़ 80 किलोमीटर और आपका 8 साल, जो कि आकि 96 मंथ्स जो भी पहले हो जाएगा, यानी 5 साल में मैंने 80 किलोमीटर कर लिया वो या वो, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे भाई इस ये भी इसमें भी कंडीशंस हैं, वो क्या रहेंगी।
यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड जो पॉइंट है, अभी हम बैटरी की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो सेक्शन टू है, वारंटी पीरियड ऑन व्हीकल कंपोनेंट्स, यानी कि व्हीकल के जो कंपोनेंट्स हैं, मोटर हो गई, स्विचेस हो गई, ये हो गया, लेकिन इसमें भी क्लियर हुआ जो कि 36 मंथ, 3 साल की दे रहा है भाई, 3 साल बैटरी वारंटी कंपोनेंट्स पे, या फिर 40 किलोमीटर विच एवर अकर अर्लियर। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मुझे भी क्लियर नहीं था, क्योंकि मुझे तो शायद 1 साल का आइडिया था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे क्लियर हुआ या कि ऑल कंपोनेंट, ऑल व्हीकल कंपोनेंट एक्सेप्ट बैटरी, जो कि बैटरी की 8 साल है, आर कवर्ड अंडर दीज व्हीकल कंपोनेंट वारंटी ऑफ पीरियड ऑफ 36 मंथ। 3 साल हो जाए या आपका 40,000 किलोमीटर चल जाए, तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। सेक्शन 3 में ये बता रहा है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो, वर्कमैनशिप, यानी कि आपका कोई भी जो फैक्ट्री डिफेक्ट है, यानी फैक्ट्री से निकलते समय वो डिफाइन करते हैं कि भैया ये बनाते समय गड़बड़ हुई है, वो वारंटी भली व्हीकल की हो, बैटरी को, वो कवर होगी विदाउट, फिर एग्जामिनेशन करेंगे और वो उसको रिप्लेस कर देंगे। मतलब इस पॉइंट में सिंपली यही दिया हुआ है। सेक्शन 4 में सिंपली है व्हाट इज़ नॉट कवर अंडर वारंटी, तो वही जो आपको पता है कि ब्रेक पैड्स हो गए, ब्रेक डिश हो गई, रबर पार्ट्स हो गए, कोई सील हो गई, जो वियर एंड टीयर होता है, ब्रेक ऑयल जो कि एयर में पड़ता है, आई थिंक ओला एयर ब्रांड, उसमें, और फास्ट एंड ग्रीस, डस्ट, सील, आपका ज़बरदस्ती अब्यूजिव तरीके से चला रहे हो, रेसिंग कर रहे हो, या कुछ उनको ऐसा आइडेंटिफाई हुआ कि आपकी गलती की वजह से हुआ या कोई एक्सीडेंटल हुआ, तो वो सब वारंटी में कवर नहीं होगा। फेलियर टू चार्ज द बैटरी ऑफ एन एक्सटेंडेड पीरियड में रिजल्ट इन अ डिग्रेशन ऑफ बैटरी हेल्थ और परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियली इनरिलीवेबल डैमेज, सच डैमेज मे बी नेसेसरी टू नीड टू बैटरी रिप्लेसमेंट इज़ नॉट अ कवर अंडर द वारंटी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर करी गई हैं। तो इसमें पॉइंट में ध्यान रखना, फेलियर टू चार्ज मतलब आप बिल्कुल चार्ज ही नहीं किया, बिल्कुल ज़ीरो ही लिया है उसको, तो ये आप मतलब एक पॉइंट ये है, और मैंने कहीं पढ़ा और भी पढ़ा था, तो इसको ध्यान रखना है कि आपको ज़ीरो नहीं लाना है। टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो वो है, तो उसको 1-2% मिनिमम भी जा रहा है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती ज़ीरो नहीं लाना है कि ज़ीरो बिल्कुल डेड हो जाए एकदम, उसके बाद चार्जिंग लगा रहे हो, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर वगैरह ना बैटरी से कनेक्टेड रहते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसको ज़ीरो नहीं करना है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसका मतलब है अगर इसके बाद कुछ इशू आया हो, फिर आप पहुँच गए भाई मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा ऑन नहीं हो रही, डेड हो गई, तो वो वारंटी में कवर नहीं होगा। डैमेज ऑफ फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम वही नेग्लिजेंस ऑफ कैरिंग आउट, ध्यान नहीं रखना, मिस यूज़, अब्यूज़, एक्सीडेंटल, ये सब ब्ला 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 ब्ला, तो पेंट स्क्रैच हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, कोई मॉडिफिकेशन किया आपने, लाइट वाइट लगवा ली स्पेशल और ये वो कर दिया, तो वही है उसके जो मेन स्ट्रक्चर है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये सब आपका है। और लुब्रिकेशन है, आपने कोई लुब्रिकेंट अपना ही कोई डाल लिया, स्पेशल डाल लिया, उससे वजह से कुछ हो गया, तो ये सब पॉइंट में ध्यान देना है, वो वारंटी में क्लेम नहीं होगा इसकी वजह से अगर कोई इशू आता है तो। ये पॉइंट है द एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, मतलब बाढ़ आ गई, बाढ़ में आपकी डूबी पड़ी है, चार जैसे एक बार याद है चेन्नई में, और अभी भी इस समय बहुत फ्लड चल रहे हैं, वो आपका पार्किंग बेसमेंट में रखी है और डूबी पड़ी है, उसकी वजह से कुछ ख़राब हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर, कोई जान एनिमल अटैक हो गया, डैमेज हो गया, ट्री सैप यानी पेड़ गिर गया उसके ऊपर, ये नेचुरली जो होता है ना कि और एक्सीडेंटल के अलावा जो नेचुरली डैमेज हो रहा है, वाटर डैमेज हो गया, एसिड रेन पड़ गई, विंड स्ट्रोम हो गया, फ्लड हो गया, लाइटनिंग, बिजली गिर गई, रेन डस्ट, सॉल्ट हेल, ये मतलब सारे पॉइंट दे रखे हैं, तो इससे तो हम वैसे नेचुरल है तो नेचुरल तरीके से ही आती हैं चीज़ें, आप क्या बचाओगे। लेकिन हाँ, और उसमें एक और चीज़ ऐड की है, और कोई लड़ाई हो गई जैसे कि दंगे हो गए, दंगे में किसी ने आग लगा दी, या कुछ ऐसा पार्ट ख़राब हो गया, वारंटी में चले जाओ, तो ये सब वारंटी में क्लेम नहीं होगा। एक पॉइंट और है, मूव ओएस वर्जन को अप टू डेट रखना है, ताकि वो सॉफ्टवेयर काम करता है, वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम करे, तो अभी तो हमारे में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, X1X के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी जो और भी वर्जन्स हैं, हमारे भी सॉफ्टवेयर आएगा, तो उसको टाइमली अपडेट रखना है, यानी कि सालों तक इग्नोर कर रहे हैं उसको। और आगे बढ़ते हैं, इसमें क्लियरली मेंशन है कंपनी रिजर्व द राइट टू फॉर अ फाइनल डिसीजन ऑल वारंटी मैटर्स, यानी कंपनी का डिसीजन होगा फाइनल, वो सारी चीज़ें पॉइंट आउट चेक करेगी, उसके बाद डिसीजन लेगी, तो ये सब कंपनी के हाथ में है। एक पॉइंट और है कि ये जो वारंटी है वो ट्रांसफरेबल है, यानी आप उसको सेल आउट करते हो कल को, तो वो ट्रांसफरेबल होगी, यानी उसको भी ये वारंटी मिलेगी।
जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा है और सारे बिल्कुल बारीकी से तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं पढ़ के पॉज करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं उसको जल्दी से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बस इसमें थोड़ा सा ये दिया था कि भाई कंपनी में आपने फ़ोटो देखा और कल को वो एडवर्टाइजमेंट फ़ोटो देख के आपने परचेज़ कर लिया और कुछ मॉडिफिकेशन होके कंपनी ने दिया, नहीं कुछ चेंजेस कर दिए, तो आप लड़ जाओगे भाई इसमें तो ये कलर था या फिर इसमें ये ऐसा कुछ पैटर्न था आपने बदल दिया है, जो भी है एक्स वाई जेड। तो वो कंपनी ने क्लियर किया है कि भाई वो एडवर्टाइजमेंट में है और द टाइम ऑफ डिलीवरी हो सकता है कुछ अपडेट आ जाए और वो और साइड अपडेट ना हो, तो उस केस में भी आप ये नहीं बोलोगे कि वारंटी है इसको चेंज करो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, कंपनी ने सीधे क्लियर किया है कि अगर आपको वारंटी कंसिस्टेंट रखनी है तो कोई भी अगर उसमें मॉल फंक्शन होता है, कोई भी सर्विस होती है, आपको कंपनी से ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही करानी है, बाहर से कुछ कराया तो कल को आपकी वारंटी में इशू आ सकता है, वो मना कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें अपनी 8 ईयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर, तो अभी ये एक्सटेंडेड वारंटी वाला है, इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये तो परचेज़ करना पड़ता है। हमारा मेन है 80,000 किलोमीटर और 8 ईयर वाले पे जाते हैं। यहाँ पे कंपनी ने दोबारा से क्लियर किया है जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया था, बोला है कि जो कॉम्प्रहेंसिव वारंटी है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो पैसे दे के लेते हैं, वो अलग से है, इन एडिशन है, जो कि कंपनी की कॉम्प्रहेंसिव यानी कि अपनी स्टैंडर्ड वारंटी है 3 साल और 40 किलोमीटर की, जो कि पार्ट्स पे है, ठीक है, यानी कि क्लियर है 3 साल और 40 किलोमीटर जो इसके ओला के पार्ट्स पे है। यहाँ पे कंपनी ने एक्सप्लेन किया कि भाई आप चेंज कराओगे तो उसके जो लेबर चार्ज भी है ना, अगर वारंटी में है तो वो कंपनी ही अवेल करेगी, और जो डिफेक्टिव पार्ट हटाया जाएगा वो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, यानी कि आप चेंज हुआ है वो पार्ट ले जाओ, नहीं वो कंपनी रख लेगी। यहाँ पे बात कर रहे हैं अब मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट था हमारा बैटरी की भाई वारंटी है, वो ये पॉइंट है जो उस वीडियो में बोल रहे थे एथर ने इतना परसेंट दिया इतना दिया, तो ओला ने भी क्लियर किया है 70% का। इस लाइन को मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा, एज पार्ट ऑफ द बैटरी टॉप ऑफ वारंटी बैटरी विल बी रिपेयर रिप्लेस फॉर एनी मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट फॉल्ट ऑफ अ बैटरी परफॉर्मेंस डिग्रेडेड बिलो 70% ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। तो ये टॉप ऑफ वारंटी का है, मैं आपको नीचे भी दिखाऊंगा, ये दोबारा से है, लेकिन यही कंडीशन होती है कि आपका डिग्रेड होता है तो 70% यानी कि जो उसकी बैटरी की परफॉर्मेंस है 70% से कम होगी तो आपको वारंटी मिलेगी। तो फिर से अगेन वही बात, ओवर द ईयर बैटरी की परफॉर्मेंस कम होगी, लेकिन 8 साल में 70 से ऊपर ही रहनी चाहिए, मान लो 90% पे आ गई, 80% पे आ गई, यानी कि आपकी पहले मान लो 100 किलोमीटर चल रही है ना, तो वो अब 70 किलोमीटर से कम अगर रेंज देने लगा तो कंपनी चेक करेगी और उसको रिप्लेस करेगी विद इन द वारंटी पीरियड। तो ये इसमें क्लियरली मेंशन है 70%, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कल को थोड़ा सा बोला भाई मेरा तो 120 चलता था अभी 110 चल रहा है 10 किलोमीटर, तो कंपनी नहीं सुनेगी, तो उनकी टर्म एंड कंडीशन है ये। यहाँ पे कंपनी ने क्लियर किया है कि जो अगर बैटरी की कंप्लेन आ रही है तो करीबन 10,000 किलोमीटर पे चलना होना चाहिए, तो ताकि वो एवरेज निकालें और एडिक्वेट डाटा निकालें कि वाकई परफॉर्मेंस इशू है कि नहीं, तो उनका टेस्ट करने का पैरामीटर होगा ये। काफ़ी देर से और मैं इसमें गो थ्रू कर रहा था और थोड़ा कंफ्यूज मैं भी हो गया हूँ इनकी वारंटी पॉलिसी लेते लेते पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ना ये 70% जो दिया है ना, इसमें दो जगह दिया हुआ है, अगर मैं दिखाऊँ मैंने सर्च में डाल रखा है 71 यहाँ पे, जो कि 125 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी जो लेता है, और एक यहाँ पे, ये दो जगह दिया हुआ है और दोनों में लिखा है एज पार्ट ऑफ बैटरी टॉप ऑफ वारंटी, यानी कि जो टॉप ऑफ वारंटी है बैटरी विल बी रिप्लेस, लेकिन इन्होंने जो 80,000 किलोमीटर 8 ईयर्स वाला है ना, वो अलग से मेंशन नहीं किया है। और वारंटी अगर मैं ये दिखाऊँ टर्म एंड कंडीशन, तो ये आपकी नॉर्मल बात हो रही है आपकी डिक्लेरेशन पे जो आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं, और इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि अगर आप इस वारंटी में क्लेम अगर ले लेते हैं उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड वारंटी जो है उस पे कंपनी कंटिन्यू करेगी, ये लिखा हुआ है आपका 8 ईयर्स, ये लिखा आपका 8 ईयर्स और 80 किलोमीटर फ्रॉम द बैटरी डेट ऑफ, अगर आप इस पे एज पर द ओरिजिनल वैलिडिटी कंडीशन वो आगे कंटिन्यू होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये हम लोगों को 8 ईयर्स 80 किलोमीटर में ये थोड़ा सा घुमा दिया है या फिर क्या है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंपनी को कांटेक्ट करता हूँ, एक वीडियो अलग से बनाऊँगा आगे और इस चीज़ को क्लियर कर लूँगा, क्योंकि इनने ये डिग्रेडेशन का फॉर्मूला तो बता दिया कि 70% से कम नहीं होना चाहिए, जो कि हम लोगों को जानना था,
लेकिन 80 जो फ्री आ रही है 80 और 80 किलोमीटर वाली पे नहीं दिया है, और पूरा टर्म एंड कंडीशन एक्सटेंडेड वारंटी पे बना दिया। अगर पढ़ोगे तो आप, तो जो ये दो हैं 100 किलोमीटर और 125 किलोमीटर वाले पे पूरी ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है। तो अब क्या करते हैं, एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी ने अपनी 80 ईयर वारंटी साइट पे डाल रखा है, 80 ईयर वारंटी, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, 80,000 यहाँ पे एडवर्टाइज कर रखा है, ठीक है, कर रखा है, एक्सटेंडेड वारंटी स्पैम ये सब दे रखा है, लेकिन कहीं भी वो वाली टर्म एंड कंडीशन मुझे यहाँ पे भी नहीं मिली है कि अपने फीचर डाल रखे हैं। ये एक्सटेंडेड वारंटी है जो कि 5,000 GST 1 लाख की, और 12-13 हज़ार, 1,25,000 की है। फिर ये जो क्वेश्चन दिए ना, व्हाट इज़ कवर्ड इन 8 ईयर वारंटी, 80,000 किलोमीटर वारंटी, तो ये इसमें क्लियर, ये मतलब ये टर्म एंड कंडीशन में भी सेम कॉपी पेस्ट ही है। इसमें दिया था स्टैंडर्ड वारंटी और बैटरी व्हीकल कंपोनेंट कवर द बैटरी व्हीकल कंपोनेंट, ये वही चीज़ दी है, 3 ईयर्स की और 40,000 किलोमीटर की बैटरी कंपोनेंट की वारंटी है। यहाँ पे कंपनी ने लिखा है कि भाई क्लियर है कि 2 फरवरी 2024 के बाद जिसने परचेज़ किया उसको ये वाली वारंटी मिलेगी 80,000 किलोमीटर वाली। यहाँ पे कंपनी ने सीधा एक्सप्लेन किया है इस वाले पॉइंट पर, एज पार्ट ऑफ द बेस बैटरी वारंटी यानी जो फ्री मिलती है, बैटरी विल बी रिप्लेस फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन डिफेक्ट कॉज फॉल्ट्स और इफ़ बैटरी हेल्थ डिग्रेड्स ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड्स। यहाँ पे ही खेल रही है कंपनी, क्योंकि 70% का फॉर्मूला एक्चुअली इतना कॉमन है ना, आपको हर कंपनी में 70% का, इवन कार लोगे तो 70% का दिमाग में सेट है, ठीक है। इन्होंने भी एक्सप्लेन किया है लेकिन उसको थोड़ा सा खेल दिया है क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं है, और आई होप कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि 70% से कम डिग्रेड होगी, लेकिन क्लियर नहीं है। अब मैं इसको एक्सपीरियंस सेंटर में या ओला कस्टमर केयर को मेल डाल के या फिर उनसे बात करके इसको क्लियर करता हूँ, और उन फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे और देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं इस चीज़ के लिए। बस इनने बोल दिया है कि भैया बैटरी हेल्थ डिग्रेड ड्यूरिंग द वारंटी ईयर, एक परसेंटेज और लिख देते कितनी बैटरी हेल्थ डिग्रेड करेंगे, है ना, कल को ये बोल देंगे भाई 50% पे है ये वाली टर्म एंड कंडीशन। तो ये वाली चीज़ है, कंपनी खेलती तो है भाई कंपनी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी इसकी अगर वो आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो ना तो ये वाला पढ़ लो, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में और एक्सप्लेन किया हुआ है, वही चीज़ें हैं, इनके क्वेश्चंस हैं वही वाले और सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड हैं। तो इसका मिथ है, मिथ मिथ ही रह गया मुझे लगा था वो टर्म एंड कंडीशन डीपली पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। हालांकि मोस्टली चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन जो एक चीज़ पॉइंट आउट था वो ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और किसी के पास इसका सॉल्यूशन है, आंसर है, तो कमेंट डाउन कर दीजिए भाई, कमेंट में बता दीजिए, डिस्कस कर लेते हैं। या फिर किसी की वारंटी में उसने कभी रिप्लेस कराया है या फिर कंपनी से बैटरी रिप्लेस कराई है, क्योंकि अभी ये 8 ईयर वाली तो अभी स्टार्ट हुई है ना, तो अभी मोस्टली इसमें तो कोई मिलेगा नहीं, लेकिन पुराने लोग हैं जिनने बैटरी रिप्लेस कराई है, कंपनी ने करके भी दी है, तो उसमें क्या कंडीशन थी। इसी भाई की वीडियो में किसी ने कमेंट किया है कि बोला आई एम जोमेटो राइडर भाई, मैंने 1 साल में 40,000 किलोमीटर चलाया, 40,000 किलोमीटर के अंडर में 20% ड्रॉप प्रॉब्लम आया था, उन्होंने रिपेयर करके बैटरी दूसरा डाल दिया, नया बैटरी डालना था लेकिन पुरानी बैटरी डाली है वारंटी में, तो मतलब रिप्लेस तो किया, उनका कहना है कि कंपनी ने रिप्लेस तो कर दिया लेकिन पुरानी बैटरी डाल दी, तो कंपनी भी ना एकदम फ्रेश बैटरी, आई थिंक ना वो आपकी सेल जो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, तो ऐसा नहीं है पूरे ही ख़राब हो गया, आपका बैटरी ड्रॉप कर रही है तो वो चेक करते हैं कि उसमें से पर्टिकुलर कौन सी सेल ख़राब है, उसे हटा के रिप्लेस करती है। तो ये तो है, ये तो है कि भाई एकदम फ्रेश पीस नहीं आएगा, उसको रिपेयर करके आपको दे देगी, लेकिन उसमें रेंज, ये पॉइंट टू बी नोटेड, इस कंपनी ने रिप्लेस किया है। और देखते हैं, इस भाई ने भी सेम बात कही है, भाई मेरे को 70% हेल्थ होने के बाद चेंज करेंगे, मतलब यही कहना चाह रहे हैं 70% वाला फॉर्मूला। इस भाई ने बोला है ओला भी 70% कम होने पर बैटरी चेंज कर देता है, ये भी यही बोल रहे हैं। ये भाई ने वही कमेंट किया जो मैं बोल एक्सप्लेन कर रहा था कि मल्टीपल सेल्स होती हैं जो कि आगे बैटरी डिग्रेड होती है, तो ख़राब सेल हटा के उसको रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जैसे आपकी टॉर्च सेल होती है ना,
ऐसी सेल्स होती हैं, लगी होती हैं सीरीज में, तो ख़राब वाली जो हो गई हटा के उसे रिप्लेस करके आपको बना के दे देंगे। ये लिखा है उस बंदे ने, ये कमिट उस वीडियो पे हैं जो बंदे ने डाली थी कि भाई ओला ने क्लियर नहीं किया 70% का फॉर्मूला, एथर ने क्लियर कर रखा है। एथर ने एक्चुअली अपनी वेबसाइट पे ऊपर डाल रखा है, तो कोई भी इजीली पढ़ सकता है। बस इन्होंने क्या किया है कि टर्म एंड कंडीशन में ये भी बोला, आई चेक द वारंटी टर्म, दे आर मैंशन एग्जैक्टली द सेम वर्ड लाइक एथर, बैटरी डिग्रेडेशन बिलो 70%, द ओनली डिफरेंस इन द ओला इज नॉट एडवर्टाइजिंग इट फॉर द रीजन ऑफ नोन टू द मैनेजमेंट। ओके, बैटरी विल बी रिप्लेस रिप्लेस बाय द मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है 70%। तो ये भी वही बोलना चाह रहे हैं, ये भाई बोल रहे हैं कि मैंने कोई रिव्यू देखा जिसमें 60,000 किलोमीटर चलने के बाद 75% या 70 से नीचे बैटरी चली गई थी, तो उसकी रिप्लेसमेंट हुई है। मैंने भी देखे हैं, अब सारा डाटा कलेक्टेड नहीं है, नहीं तो ऐसा है जो लोगों ने कमेंट किए हैं, इसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैंने एक बार पढ़ा था कि एक ने कमेंट किया था कि मेरी रिप्लेस हुई है अंडर वारंटी। यहाँ भाई ने कमेंट किया, मुझे तो बोला था ओला ने कि 69% होने के होते ही चेंज कर देंगे, यानी वही 70% से नीचे होने पे चेंज कर देंगे। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आगे भी आने वाली वीडियोस में क्लियर हो जाएंगी। सो वीडियो ऑलरेडी 21-22 मिनट का हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, और इसको भी कंटिन्यू करेंगे और मोर श्योरिटी के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ऑन कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, मेहनत लगती है बनाने में, अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, छोटे मोटे हैं हम तो थोड़ा एक एक भी बढ़ता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।